तरीके से इस बदलाव की जो रफ्तार है वो भी बदली है, जो विकास है वो किस तीव्रता के साथ हो रहा है, और यही एक पहचान है इस नए भारत की। ये नया भारत जो आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और अग्रसर हो रहा है विकसित भारत की तरफ, और इसी के तहत जो संकल्प लिया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा का 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए, उसी के तहत अलग अलग जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी और कैसे, क्योंकि जब जो बच्चे हैं शैलिन, जैसे आप जानकारी दे रहे थे कि ना सिर्फ निपुण भारत योजना बल्कि हर एक बच्चा जो है उसको कैसे हम शिक्षित कर सकते हैं, फिर चाहे वो ग्रामीण तबके से आता हो, शहरी तबके में हो, या वो तमाम जो निजी स्कूल हैं वहाँ अगर वो नहीं जा पाते थे गरीब बच्चे, तो कैसे उनका जो दाखिला है वहाँ उनको होने की जो प्रक्रिया है उसको और सरल किया गया, यानी सबका साथ जो सबका विकास, ये और सार्थक होता नजर आ रहा है शैलेंद्र? निश्चित तौर पर आप देखें कि जब हम विकास की बात करते हैं तब उसमें हर वर्ग की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, और वो कहते हैं कि गरीब की चिंता की जानी चाहिए, महिलाओं की चिंता की जानी चाहिए, युवाओं की चिंता की जानी चाहिए। तो ये तभी सुनिश्चित हो सकता है जब उन पर आधारित, उन पर केंद्रित योजनाएं बनाई जाए, और न सिर्फ योजनाएं बनाई जाए बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जाए और उसको मॉनिटरिंग की जाए। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं में देखते हैं, हम जानते हैं कि 5 साल खाद्यान्न योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिस तरह से हमने देखा बीते 9 वर्षों में पीडीएस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें एक व्यापक सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ, और आज किसी भी राज्य में बैठा व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में अनाज का हकदार है। उस सुधार के बाद हम देख रहे हैं कि सफलतम योजना, दुनिया के इतिहास में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इतने समय तक मुफ्त राशन देने की जो योजना कोविड काल के बाद चलाई गई वो आगे बढ़ी, और दुनिया ने देखा कि भारत ने कैसे सुनिश्चित किया कि गरीबों की चिंता की गई, कोई कोविड काल में भूखा न सोए, इसकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। हमें पहली बार नजर आता है आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है जी, विश्व पटल पर जो सरकार की योजनाएं हैं वो नजर आती हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि फिर चाहे मुफ्त राशन की हम बात करें या आयुष्मान भारत की भी बात की जाए जो कि विश्व की सबसे बड़ी एक बीमा योजना बनकर उभरी है, तो कहीं ना कहीं अब ना सिर्फ ये नया भारत बल्कि जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं वो विश्व पटल पर उभर रही हैं। देखिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इतने समय तक भोजन देना, मुफ्त राशन देना, और उस योजनाओं को अगले 5 साल तक आगे बढ़ाने का ऐलान हम जानते हैं कि पहले ही हो चुका है, कि तब संभव हो सकता है जब देश के किसानों का साथ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अन्न उत्पादन बढ़ाने में तमाम तकनीक पर जो एक समर्थन मिला, हम देखते हैं कि देश के किसान, उनको किसान सम्मान निधि मिल रही है, आज हम देख रहे हैं कि नए नए यूरिया की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, सॉयल जो की टेस्टिंग पर आगे बढ़ा गया है, और कैसे कृषि के समग्र विकास की तरफ ध्यान देकर किसानों की उन्नति हो ये सुनिश्चित किया गया है, तभी हम इतना आत्मविश्वास पाते हैं कि हम दुनिया की इतनी बड़ी योजना, अन्य योजना सफलतापूर्वक चला रहे हैं, उसे आगे 5 साल बढ़ाने की बात है।